बैम नाज़रीन मैं हूँ साजिद फारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टू टी वी नाजरन बलद्याती इंतबा की तैयारियाँ हो रही हैं ख़र पखतनख्वा में बलदियाती इंतबात के पैरल मरले के बाद अब पंजाब में बलदियाती इंतबा के हवाले से जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं उन्होंने अपनी सफबंदी शुरू कर दी है और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तरीकानसाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग काफ और दीगर जमातें हैं वो अब पंजाब में अपने जो उनके मुख्तलिफ़ जो हल्के हैं वहाँ पर पंजाब में मुख्तलफ ज़िले हैं वहाँ पर और यूनियन कौंसल्स हैं ये वहाँ पर अपनी जो है वो अब तैयारी कर रही हैं और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर हम बात करें आज तो मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश है कि हर ज़िले में बलदियाती इंतबात में पाकिस्तान तहरीफ को टफ़ टाइम दिया जाए क्योंकि पहले मरल में खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह बलदियाती इंतबात के दो नतज़ आए हैं उसके बाद अब अपोजीशन जमाते हैं कुछ उनका हौसला बड़ा है और वो जो अपोज़िशन जमाते हैं जो बिखरी बिखरी हमें नज़र आ रही थी वो अब कोशिश कर रही हैं कि ये जो बलदियाती इंतबात हैं जो पंजाब में मैदान लगने वाला है इसमें वो अपनी पावर जो है वो शो करें मुस्लिम लीग नून ने इस सिलसिले में हर ज़िले में अपनी जो क्यादत है उसको ये टास्क दिया है कि वो जो मजबूत शख्सियात हैं उस ज़िले में उनको पार्टी में शामिल किया जाए ताकि बलदयाती इंतबात में बरतरी जो है वो अपनी साबित कर सके इस सिलसिले में आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ज़िला चकवाल की जहाँ पे पिछले दिनों ही सबक डिस्टिक जो चेयरमैन थे सबक ज़िला नाजिम रहे हैं सरदार ग़ल अब्बासूबाई वज़ी रहे हैं उन्होंने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दोबारा शमूलियत अख्तियार किया है सरदार ग़लाम अब्बास ने नवे की दहाई में जो है वो सियासत में जो कदम रखा तो उन्होंने उसके बाद से मुख्तफ सियासी जमातें जो हैं वो तब्दील की हैं वो पहले पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी में रहे हैं उसके पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा फिर उसके बाद उन्होंने एक तवील रिफाकत जो है पीपल पार्टी के साथ गुजारने के बाद फिर मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत अख्तियार की मुस्लिम लीग काफ ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट नाजिम बनाया दो मरतबा फिर उसके बाद सरदार ग़लाम अब्बास जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में चले गए फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की फिर एक एक मरतबा मुस्लिम लीग नून को छोड़ के वो फिर इंसाफ में गए और इंसाफ से एक मरतबा फिर अपने रास्ते जुदा करने के बाद वो अब मुस्लिम लीग नून में आज शामिल हुए हैं सरदार ग़ल अब्बास की जो सियासत है वो इस लिहाज से इस पूरे ज़िले में वो तजकरे का जो सबब रही है और हर मौके पर सरदार ग़ल अब्बास जो हैं उन्होंने एक लिहाज से अपनी बरतरी साबित किया कि उनका एक मजबूत धड़ा मौजूद है इस ज़िले में और पिछले जो बलदियाती इंतबा हुए थे गुजशत जो लास्ट बलदियाती इंतबाते थे उन्होंने भी उसमें भी अपनी बरतरी साबित की थी लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उससे पहले सरदार ग़ल अब्बास ने जब पार्टी छोड़ी और मुस्लिम लीग नून की क्यादत पर उन्होंने उस वक्त जो तनकीद की और जिन वह उनके मुखालफन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं मुस्लिम लीग नून में पिछले कुछ अर्सा पहले ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला चकवाल के सदर थे सबक रुकन कौमी असम्बली सरदार मंसूर या टमन वो उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की वो भी मुख्तलिफ़ पार्टियाँ तब्दील करते रहे हैं पहले मुस्लिम लीग में रहे फिर आ, उसके बाद फिर उन्होंने मुस्लिम लीग काफ में शमोलीत अख्तियार की फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए और फिर उन्होंने तहरीकानसाफ़ में शमूलियत अख्तियार की और अब आखिरी जो उनका इस वक्त जो उनकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी है लेकिन जब से सरदार मंसूर याद शामिल हुए हैं मुस्लिम लीग नून में और वहाँ पे जब उनकी आमद हुई है तो उस मौके पर जो पहले से मौजूद थी मुस्लिम लीग नून की क्यादत खास तौर पर तहसील तलेगान में जिनमें सबक सूबाई वज़ी जिन्हें सदाबहार सूबाई वज़ी कहा जाता है मलिक सलीम इकबाल और उनके और उनके नवासे जो हैं मलिक शहलियार उन्होंने इसकी जो है वो उनके शदीद मुखालफत भी की लेकिन बाद में जब मुस्लिम लीग नून की क्यादत ने सरदार मंसूर याद टमन को पार्टी में शामिल कर लिया तो उसके बाद से भी हमने देखा कि इनकी आपस में बन नहीं पाई और सलीम इकबाल और मलिक शहर यार जो हैं वो मंसूर याद सरदार मंसूर याद टमन जो है उनसे उनके रास्ते जुदा ही नज़र आए हैं और वो मुख्तलिफ़ सिमत में अब भी एक दूसरे के चल रहे हैं मलिक सलीम इकबाल जो हैं वो सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं और उनकी ये हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो जो अपना जहाँ भी जिस पार्टी में भी रहे हैं चाहे कुछ अरसा उन्होंने मुस्लिम लीग काफ में भी शमूलियत अख्तियार की लेकिन ज़्यादा अरसा जो है उनका मुस्लिम लीग नून में रहा है और वो सूबाई वजीर रहे हैं यकीनी तौर पर उनका जो एक मजबूत धड़ा भी इस ज़िले में मौजूद है तहसील तलागान में तो खास तौर पर लेकिन अब मलिक सलीम इकबाल जब सरदार मंसूर यात मुस्लिम लीग नून में आए तो उनके बाद उनकी कोशिश रही कि सरदार लाम अब्बास को पार्टी में वापस लाएँ और अपना एक मजबूत धड़ा बनाएँ सरदार लाम अब्बास भी चूँकि एक लिहाज से अपनी सियासी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके थे क्योंकि 2018 के इंतबात में उन्हें टिकट ना मिला फिर उसके बाद फिर उनका उन्हें नायल करार दे दिया गया इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके फिर उनके मुखालिफ सरदार दुला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौन असम्बली बने मजबूर सरदार गुलाम अब्बास को उनकी हमायत करना पड़ी खामोश हमायतें करती थी लेकिन सरदार ग़ुलाम अब्बास जो है उस वक्त खामोश रहे जिसकी वजह से सरदार ल्फ़ार अली ख़ानदुल्ला जो है वो कौमी इसम्बली के रुकन मुंत तो अब ये सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की ये तो हमने आपको खाका एक बताया मुस्लिम लीग नून के हवाले से अब ये सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नून में इस वक्त तीन मुख्तलफ़ धड़े काम कर रहे हैं इनमें एक धड़ा तो मलिक सलीम इकबाल मलिक शर याार और सरदार ग़ल अब्बास का है दूसरी तरफ एक धड़ा जो सबक रुकन कौमी असम्बली हैं मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल एक धड़ा उनका है और एक धड़ा सरदार मंसूर याद टमन का है सरदार मंसूर याद टम्मन जो है उनकी उड़ान इस वक्त जो है वो अकेले है दो वो अगरचे उनके रबते जब से सरदार ग़ल अब्बास जो है मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए उनके रबते मेजर रिटायर्ड इकबाल से हुए हैं तो मेजर रिटायर्ड इकबाल ने इस सिलसिले में बड़े तफज़ात का अजहार भी किया है सरदार ग़लाम अब्बास को पार्टी में क्योंकि वो आप एक दूसरे के मुखालफ समझे जाते हैं उन्होंने इस सिलसिले में सबक़ वज़ी अल और मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ़ उन भी मुलाकात की उन्हें भी आपने तहफात से आगा किया फिर वो उसके बाद लंदन भी गए जहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायदे हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई उन्हें भी उन्होंने अपने तहफात से आगाह किया क्योंकि सरदार गुलाम अब्बास और मेजर रिटायर्ड इकबाल का हल्का जो है एक ही तस्वर किया जाता है और टिकट यकी तौर पर किसी एक को ही मिलेगा लेकिन अब जो ताज़ा तरीन डिवेलपमेंट ये हुई है कि कल एक अहम मीटिंग हुई जिसमें मुस्लिम लीग नून की ज़िले की जो तमाम क्यादत थी उसको बुलाया गया उसमें सरदार मंसूर याद टमन भी मौजूद थे सरदार गुलाम अब्बास भी थे इसके अलावा जो हैदर सुल्तान हैं जो पार्टी के मुस्लिम लीग नून के ज़िले के चेयर जो सदर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और सबक रुकनी सूबाई असम्बली मलिक शहर जो इस वक्त जनरल सेक्रट्री हैं मुस्लिम लीग नून ज़िला चकवाल के वो भी मौजूद थे वहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून की क्यादत ने उनके साथ मुशावरत की है ख़ास तौर पर ये जो बलदियाती इंतबात आने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट मेयर की जो सीट है उस पर अब नज़र है सरदार गुलाम अब्बास की अब देखें जो उनके मुखालफ हैं वो किस तरीके से उनको कबूल कर, कर पाते हैं क्योंकि यकीनी तौर पर उनके लिए डिस्टिक मेयर के तौर पर सरदार ग़ल अब्बास को जो है वो तस्लीम करना और कबूल करना कोई आसान काम नहीं होगा मुस्लिम लीग नून की क़्यादत इस सिलसिले में जो भी फैसला करेगी वह हतमी होगा लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहले जो कौमी इंतबात जो दो हज़ार तेईस में होने वाले हैं मुतव उनसे पहले बलद्याती इंतब में मैदान लगने वाला है और मैं समझता हूँ कि ज़िला चकवाल में मुस्लिम लीग नून के जो तीन धड़े हैं वो अगरचे सरदार गुलाम अब्बास मलिक सलीम इकबाल और मलिक शहर वो इस वक्त एक प्लेटफार्म पे नज़र आ रहे हैं सरदार मंसूर यात और मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल के जो हैं वो उनका आपस में रबाता है लेकिन जो दरमियान में हैदर सुल्तान और सबक सूबाई वज़ी जो हैं तनवीर स्लम सेथी उनके धड़े भी मौजूद हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपने आप को गैर जानबदार रखा हुआ है मुस्लिम लीग नून की क्यादत किसके हक़ में फैसला करती है ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन इनके मुकाबले के लिए एक और सफ़बंदी भी हो रही है और इस सिलसिले में तहसील तला गंग से जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो हैं उसके रुकन कौमी असम्बली चौधरी सालक हुसैन भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूबाई वज़ी मादिनियात आफिज अमार यासिर भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका एक मजबूत धड़ा है यहाँ पर वो इस वक्त जो है वो कोशिश कर रहे हैं के अपने इतिहाद को मजबूत बनाएं और साथ नए लोगों को भी शामिल किया जाए पिछले दिनों हाफिज़ अमार यासर की मुलाकात हुई इस सिलसिले में एक तवील मुलाकात हुई सबक रुकन कौमी असम्बली या ज़मीर साहब के साथ और उनके साथ भी उन्होंने इस सिलसिले में बलद्याती इंतबा के हवाले से तबादला ख्याल किया एक ये बात भी कही जा रही है कि हाफिज़ अमार यासर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मेयर का एक्शन लड़ना चाहते हैं इस सिलसिले में पिछले दिनों जो मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इनाफ़ की क्यादत है उनके दरमियान जो आपस में रबते हुए हैं उसमें एक चीज़ ये तय पाई है कि जहाँ पर भी मुस्लिम लीग काफ के अरकान कौमी असम्बली हैं या याबाई असम्बली हैं तो वहाँ पर उनको जो उन अजला में मुस्लिम लीग काफ जो है वो आपने जो है डिस्ट्रिक्ट मेयर के हवाले से तहसील नाजिम के हवाले से वो फैसला करेगी तो इस सिलसिले में इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के जो ज़िला चकवाल है गुजरात है बहावलपुर है वहाँ पे तो उनको जो है वो अभी तक जो है जिस तरह मुस्लिम लीग काफ की क्यादत की तरफ़ से कहा जा रहा है कि उन्हें फ्री हैंड दिए दिया गया है लेकिन मुस्लिम लीग काफ के रुकने कौमी इसम्बली एन ए पैंसठ से चौधरी को साइन है जबकि दूसरी तरफ जो है दूसरे हलके से ज़िला चकवाल का जो दूसरा हलका है एन ए चौंसठ वहाँ से सरदार ज़ुल्फ़कार अली खानदुल्ला जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इसाफ़ के रुकने कौमी इसम्बली है तो यकीनी तौर पर यह जो बल्दियातीक्शन है तहरीक इसाफ़ है तहसील तला में इस वक्त कमज़ोर विकेट पर है वह वो भी मुख्तलिफड़ों का शिकार है और इस वक्त महत्मा फौजिया बहराम जो रुकन कौमी असम्बली है वो इस वक्त एक धड़े को जो है वो लीड कर रही हैं लेकिन दूसरी तरफ जो है जो दीगर धड़े हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं तहसील चकवाल में तहसील चो सैदन शाह और कलर कहार में जो है वो मुस्लिम लीग का मुस्लिम लीग काफ जो है वहाँ पे इतनी मजबूत नहीं है तहसील कलर कहार में मुस्लिम लीग काफ का धड़ा जो है वो मजबूत है लेकिन जो चो सैदन शाह और तहसील चकवाल है वहाँ पे पाकिस्तान इंसाफ को बरतरी हासिल है देखें वहाँ पे क्या फैसला होता है डिस्ट्रिक्ट मेयर के हवाले से पी टी आई और मुस्लिम लीग काफ जो है क्या फैसले है करती हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है इस वक्त जो हमें अख्तिलाफ नज़र आ रहा है उसको अगर मुस्लिम लीग नून की क्यादत ने ख़त्म न किया और जो अपनी मकामी लीडरशिप है उसको अगर किसी न किसी तरीके से इस बात पे कायल न किया कि जो है बलदयाती इलेक्शन में एक प्लेटफार्म पे तमाम इकट्ठे हों तो उस उस वक्त तक जो है यकीनी तौर पर यह बलदियाती इलेक्शन जो है ज़िला चकवाल में मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है हाफिज़ अमार यासर जो सूबाई वजी मादनियात हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट मेयर के उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम भी सामने आ रहा है और उनके जो करीबी हलके हैं वो बता रहे हैं कि वो भी इस सिलसिले में जो है वो अपनी पार्टी की आदत से वो मुकम्मल फ़्री हैंड जो है वो ले चुके हैं देखें अब जो आइंदा का इलेक्शन है वो क्या ज़िला चकवाल में किस तरह की क्यादत जो है वो सामने लाता है और इस सिलसिले में जो मुख्तफ़ जमातें हैं ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ पाकिस्तान तरीकानसाफ़ और मुस्लिम लीग नून वो जो है वो किस तरह के उम्मीदवार मैदान में उतारती हैं ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन आइंदा का इलेक्शन जो है 2023 के कौमी इलेक्शन से पहले इलेक्शन जो है वो सियासी जमातों में टूट फूट का बास भी बन सकता है और ख़ास तौर पर जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून है उसके लिए एक चैलेंज मौजूद है मंसूर या टमन और मेजर रिटायर्ड ताहिरकबाल के लिए सरदार ग़ुलाम अब्बास को डिस्ट्रिक्ट मेयर के तौर पर कबूल करना कोई आसान काम नहीं होगा अगरचे दोनों जो मेजर रिटायर्ड इकबाल हैं वो भी आइंदा के जो कौमी इंतखबा हैं उनमें कौमी इसम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ने के खाँ हैं मंसूर या टमन भी कौमी इसम्बली के पैसठ का जो हल्का है इससे आना चाहते हैं देखें टिकट किसको मिलता है लेकिन सरदार गुलाम अब्बास का मुस्लिम लीग नून में वापस आना इन दोनों के लिए ख़तरे की घंटी ज़रूर है अब देखें कि मुस्लिम लीग नून की क्यादत क्या फैसले करती है जमीन हमने आज आपको नजरिन बताया अपनी वीडियो में पूरी ज़िला चकवाल की जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है इसके साथ साथ दीगर अजला में जो हो रहा है जो सफबंदी हो रही है जिस तरीके से आइंदा के बलद्याती इंतब के हवाले से तैयारियाँ जो हो रही हैं उसके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा लेकिन इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ बसानी आप तक पहुँचती रहें बहुत शुक्रिया